हेलो गाइज, स्वागत है आपका कुआ पूजन की फुल वीडियो में, जिसका आप लोगों को काफी इंतजार था। तो शुरू करते हैं कुआ पूजन के दिन की सुबह से। आते ही पहले हलवाई ने बनाई गर्मा गर्म जलेबियां और खाना बना के लग गए आने वाले हमारे सभी रिश्तेदारों के नाश्ता पानी की तैयारी में। पनीर के पकौड़े और ये आलू वाले पकौड़े, ये तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। साथ साथ तैयारी होने लग गई थी शाम के खाने की। एक तरफ सब्जी कट रही थी तो दूसरी तरफ आटा गूंदा जा रहा, और थोड़ी ही देर में छुच्छक लेके भी पहुंच चुके, जिनको आते ही तो थोड़ी देर किसी भी पड़ोसी के घर में बिठाया गया। वहीं पे चाय पानी करा के फिर सबने नाश्ता किया। मेरे कपड़े वगैरह भी मुझ तक पहुंचा दिए गए, क्योंकि आज वही कपड़े पहन के तैयार होना था जो वहां से आए थे। तो पहले सारी चीजें देखी। फिर पहले तो बांधे हमारे मोक्ष के हाथ में नजरिया, फिर तैयार किया मम्मी को, खुशी के मारे चेहरा अलग ही चमक रहा था। फिर भी मैं भी रेडी थी कुआ पूजन के लिए। तो सबसे पहले घर से निकलकर कुएं तक जाना होता है, जहां सब लेडीज डांस करते हुए जाती है। कुएं की पूजा का महत्व इसलिए है क्योंकि पुराने समय में कुएं को जीवन का स्रोत माना जाता था, जो पूरे परिवार और गांव के लोगों को जल की आपूर्ति करता था। तभी से कुआ पूजन की परंपरा चली आ रही है।
ऐसे ही डांस करते करते मस्ती करते इंजॉय कर पूरे रीति रिवाज के अनुसार हमने कुआं पूजन किया और घर पहुंचे। लेकिन ये क्या, जीजी ने रास्ता रोक लिया। फिर जीजी को उनका शगुन देख नजर उतरवा के अंदर एंट्री की। तो जब सब लेडीज कुआं पूजन के लिए चली जाती है तो घर पे किसी बड़े को रहना होता है, जिसपे हमारे चाचा जी रहे, आके उनका आशीर्वाद लिया और फिर दोनों तरफ के लोग आपस में बैठे और छुच्छक का शगुन लेके कार्य पूरा किया। फिर लास्ट में कराए सबके साथ फोटोज़।